गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 20 तारीख। हम आए थे 18 की रात को, 19 का दिन था कल, 19 मई। वो पूरा दिन मेरा चला गया आपके हॉस्पिटल के चक्कर काटने, क्योंकि अद्वय थोड़ा बीमार हो गया था, उसका चेस्ट कंजेशन बढ़ गया था, तो हॉस्पिटल के चक्कर सवेरे से हम मार रहे थे। तो उस वजह से हम कल का जो प्लान था कहीं बाहर डिनर या लंच करने का, वो रह गया मेरे से, वो मैं नहीं कर पाया। तो ये है मेरे पीछे, आप देख रहे हो, ये मेरा घर है, मेरा इन द सेंस माई वाइफ्स हाउस। एंड पीछे देख रहे हो, ये जो चर्च है यहाँ पे, एंड ये देखो मेरे पीछे से आप ग्रीनरी देखो, कोकोनट ट्रीज। एंड ये मेरे पीछे आपको शायद जैक फ्रूट भी दिख रहा होगा, ये देखा जैक फ्रूट का ट्री, या पीछे आम के पेड़ है। ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है केरला में, इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी। और आज का ऐसा प्लान है, हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा हॉस्पिटल का भी है, एक और राउंड अदवे का मारना है, उसके बाद में हम लुलु मॉल, जो एशिया का बिगेस्ट मॉल खुला है ट्रिवेंड्रम में, वो विजिट करने वाले हैं। तो वो शायद हम दोपहर के बाद जाएंगे और पूरा शाम तक वहीं पर रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा है, उसको घूमने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। सो मिलते हैं लुलु मॉल में। ये है वो चर्च, बिल्ली को पता चल जाता है जैसे ही टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, यहाँ से मांगना चालू। ये देखो स्क्विरल बन गया, स्क्विरल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मंगूस। मंगूस। सो आज के दिन हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना आज? हाँ, पहले रेस्टोरेंट जाएंगे फिर लुलु मॉल जाएंगे। अच्छा, पहले आज का लंच करेंगे, चलते इरना, चलो। तो आज 20 तारीख, कल तो हम कहीं जा नहीं पाए, रीजन आपको बता दिया था। अब हम जा रहे हैं लंच करने पैरागन में। पैरागन इज व्हाट, स्पेशल फॉर बिरयानी राजी? स्पेशल फॉर ऑल द साउथ इंडियन क्विजीन एंड केरला क्विजीन, बट पर्टिकुलरली इट इज फ्रॉम विच स्टेट, हु स्टार्टेड इट? इट इज आई थिंक फ्रॉम नॉर्थ केरला, इट इज वन ऑफ अ फेमस चेन्स। हाँ, आई थिंक तो वहाँ जा रहे हैं हम ट्राई करने के लिए, देखते हैं वहाँ पे क्या बेस्ट मिलता है, क्या खाने को मिलेगा, एंड उस बेसिस पे हम आपको रिव्यू देंगे। अब फिलहाल हम निकले, आई थिंक मेरे को यहाँ से 1 आधा घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचने पहुँचते, तो चलो पहुँचने के बाद वहाँ की वीडियोस दिखाता हूँ आपको। सो ये जो रेस्टोरेंट है पैरागन, ये स्टार्ट हुआ था 1939 बाय गोविंदन पनिक्कर, इन्होंने ये चालू की थी, और मोपला, एक्चुअली मोपला कुजीन और थिया कुजीन इन कैलिकट। फिर इनके जो ग्रैंड सन है अभी सुमेश गोविंद, इन्होंने उसको और यू नो एक्सपैंड करके यूएई और केरला में और भी जगह पे इन्होंने चालू कर दिया। इनफैक्ट ये लोग बेंगलोर में भी आ रहे हैं। सो इनका प्लान ये है कि टू सर्व द बेस्ट क्वालिटी फूड एट बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस। और सही में इनका यहाँ पे मैंने सुना है कि भीड़ बहुत होती है और रेनो खाने के लिए लाइन बहुत होता है, होपफुली हमको भी ज्यादा लाइन ना मिले, होप सो। सो ये पैरागन का ग्रैंड एंट्री है, उनके यहाँ पे वैले पार्किंग भी है, तो चलो चलते हैं अंदर जाके चेक करते हैं लाइट है नहीं है क्या है। हम आ तो गए, बट वेटिंग है यहाँ पे पैरागन में, बहुत ही फेमस चेन है। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे फ्राइडे के वीकडे के दिन भी इतनी भीड़ होगी, तो अभी राजे अंदर जाके पूछ के आई। सो हम यहीं पे खड़े तो पता चला 1/2 घंटे का वेटिंग है, तो सही, अभी क्या करें, आए तो वेट करके ही खाएंगे, इतना फेमस है तो खा के जाएंगे, है ना। देखो रश, देखो पीछे, देखो पार्किंग की लाइन लगी है, यहाँ देखो लाइन पे लाइन पे लाइन। पैरागन, लुक हियर अदवाय। हम दोनों वेट कर करके इतने बोर हो गए, हम बाहर आ गए पैरागन, ऑलमोस्ट 1/2 घंटे के ऊपर हो गया वेट।
पर आ गया है। कहाँ बैठना है? सो दिस इज द प्लेस, हम यहाँ बैठेंगे। से बहुत प्यार हो गया तो बटर रोटी उसके लिए अलग ऑर्डर किया। और एज यूजुअल मदर इन लॉ फादर इन लॉ वेज राइस है ना, ये वेज फ्राइड राइस ये साथ में आया था ना इसके। ओके, चिली चिकन, हाँ राइट, आई थॉट मंचूरियन है, चिली चिकन दिया है साथ में, मैं टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करता उसको। ये पैरागन का किचन है, अगर आप देखो तो एक टाइप का ओपन किचन है, सारे चीज़ें यहाँ पे ही बनती है। और जैसे ये पुट बनता है यहाँ पे फेमस, ये पुट के लिए है, यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्राई हो रही है, चाइनीज़ वेज नॉन वेज सब बन रहा है, और अंदर भी एक किचन है। बढ़िया है, ओपन किचन कल्चर में ना आपको पता है कैसे चीज़ें बन रही है और क्या बन रही है। और पेस्ट्री का भी यहाँ पे एक काउंटर रखा हुआ है, इनका ड्रिंक्स काउंटर, और ओबियसली नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स नॉन अल्कोहलिक, यहाँ पे आपके सारे मॉकटेल्स मिल जाते हैं, जूसेस वगैरह मिल जाते हैं। ये हमने ऑर्डर किया था मटन चाप्स का ग्रेवी, 3 पीस है, बट दिख तो अच्छा रहा है। और ये था अचायंस का चिकन करी ग्रेवी, आई थिंक कोकोनट मिल्क से बना हुआ है, तो दोनों होपफुली अच्छा हो। ये है कुंदल पुरीचल, दैट मीन्स स्क्विड, स्क्विड के रिंग्स है ये, स्क्विड के रिंग्स को आई थिंक इन्होंने बैटर में मिक्स करके ऑयल फ्राई किया हुआ है, शुड बी अ गुड स्टार्टर। ये है मटन चॉप, ये आपका स्क्विड, और ये आपका अच्छा है चिकन का, टेस्ट करते हैं। मटन का मस्त एसेंस आ रहा है, मसाला दार, वेल कुक्ड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे मुझे क्या हो गया, एक बार ये चाइनीज का चिकन करी चेक कर दो, ये बेटर है, चाइनीज का चिकन कोकोनट मिल्क में बनाया तो टेस्टिंग रियली गुड।
और ये आपका स्क्विड का रिंग्स। ओके ऑयल फ्राई में इतना मज़ा नहीं आया। आई थिंक बेस्ट बेस्ट हमने स्कूल तक का मैंने आई थिंक गोवा में खाया था। राइट चलो इसके ज़्यादा भी कुछ रोटी है, हम रोटी भी खा लेते हैं। ये हमने डेजर्ट में एलनीर पायसम लिया है, दैट मीन्स कोकोनट का पायसम है ये, ब्राउनी विथ हाँ टेंडर कोकोनट का पायसम। बाय द वे क्लैरिफिकेशन, ये चॉकलोवा केक विथ आइसक्रीम है, चॉकलेट ब्राउनी है ये, चॉकलेट ब्राउनी विथ आइसक्रीम है, और ये चॉकलोवा केक विथ आइसक्रीम है। तो ये तो सब लोगों ने चखाई है, खाया है, मैं थोड़ा सा ये चेक करके देखता हूँ कैसा है। मेरा नीर पायसम खाया, अम्मू माँ को देखना है। So, we are going back home now. After a wonderful lunch at Paragon. Paragon. I am sure आप लोगों ने भी enjoy किया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में Paragon का mostly बिरयानी का ही image था, but it is more than just बिरयानी। Yes. काफी सारी चीजें थी and pretty good, सारे चीजें टेस्टी थी, ऑथेंटिक था, चाहे वो अचम्मास चिकन करी हो या अच्छायंस चिकन करी, सॉरी अच्छायन अचम्मा, ठीक है, अच्छायन चिकन करी हो या तुम्हारा क्या था वो मटन चॉप्स, तो मटन चॉप्स भी एकदम हाँ। एंड सबसे बेस्ट मुझे वो लगा अनानास चिकन स्टार्टर्स में। आई डोंट नो अनानास किसे नाम दिया, अनानास इज एक्चुअली अ हिंदी वर्ड, हिंदी वर्ड राइट, हिंदी वर्ड को यूज करके अनानास ग्रिल्ड चिकन था वो, एंड विद पर्टिकुलर सॉस जो क्रीमी था, मायोनीज, आई डोंट नो व्हाट फ्लेवर, पाइनएप्पल ही फ्लेवर था शायद, पाइनएप्पल और मैंगो का मिक्स फ्लेवर लग रहा था मेरे को, तो वो भी मस्त लग रहा था। सो अच्छा रहा आज का, एक्चुअली एक घंटे का वेट था वो तो कहीं पे हमने बताया नहीं। आज तक कभी लाइफ में हमने इतना वेट नहीं किया होगा कुछ खाने, घंटा सवा घंटा वेट किया होगा आई एम श्योर, बहुत भीड़ थी। एंड मैंने आस्क मैनेजमेंट को पूछा तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे ही होता है, आपको वेट करना ही पड़ता है, दैट्स हाउ फेमस इट इज। तो ठीक है, इट वॉज वर्थ दी वेट बोला जाए तो। बाकी आई थिंक आज का दिन ही उधर खत्म हो गया, क्योंकि अरसान अदवे इज नॉट वेल, तो उसको लेके हम हॉस्पिटल गए थे, इसके लिए हम लंच के लिए भी 1:30 बजे निकले, 1 बजे कुछ निकले, राइट राइट। सो आते आते अभी क्या टाइम हो गया, 5 बज गए, 4:30 साढ़े चार कुछ बज गए निकलते निकलते। तो ये हाल है, अभी हमारा प्लान था लुल्लू मॉल जाने का, जो हमने अभी ड्रॉप किया है क्योंकि और कोई टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि 6-7 बजे इसको नेबुलाइजेशन के लिए लेके जाना, इसकी हालत अभी ठीक नहीं हुई है। तो वी आर हेडिंग बैक होम, सो आज का आई थिंक ब्लॉग यहीं पे खत्म होगा। एंड अगर आप लोगों को वही हर बार जैसे बोलते हो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो, सब्सक्राइबर है तो लाइक और कमेंट कीजिए, कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, और कभी ट्रिवेंडर में आए तो पैरागॉन जरूर जाइएगा। सो दिस इज विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ ब्लॉग, विपिन एंड राजी साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ ब्लॉग, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। सो कुछ इमेजेस के साथ आपको छोड़ता हूँ, और ये था हमारा Day 2 इन केरला, और Day 3 यानी अगले दिन हम करेंगे लुल्लू मॉल, वन ऑफ दी बिगेस्ट मॉल इन एशिया। उसके बाद में हमारा प्लान रहेगा शनमुगम शायद अगले दिन, उसके बाद में वर्कला तो फिक्स है, वो 23rd and 24th है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो shouldn't miss anything guys, आप लोग अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो उधर आपको ब्लॉग आते रहेगा और एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट आएगा। तो सी यू गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, जय हिंद।